साथियों नमस्कार। आज जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ छिपे हुए रहस्य। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं जिनको आज तक हमने प्रैक्टिकल पे नहीं देखा, ना ही हमें थ्योरी में पढ़ाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं किस तरह से वो छिपे हुए रहस्य को आज जान सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे पहले ओपन करते हैं। जिनको जिनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना नहीं आता, विंडो की के साथ आर की को प्रेस करते हैं और यहाँ पे विन वर्ड लिख के जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। बहुत ही आसानी के साथ विंडो की के साथ आर की को प्रेस करना है, लिखना है WINWORD बिना स्पेस के और कर देना है ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। अब यहां पे हम सबसे पहला छिपा हुआ रहस्य आपको दिखाने वाले हैं। जैसे आपको एक पूरा का पूरा पेज लिखना है, एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, तो आप इक्वल करें, लिखें RAND और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, पूरा का पूरा यहाँ पे दो तीन पैराग्राफ बन जाएंगे। अगर आप पैराग्राफ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पैराग्राफ का नंबर भी डाल सकते हैं। कितने पैराग्राफ आपको चाहिए, 5 चाहिए, 5 लिख दीजिए तो 5 पैराग्राफ आ जाएगा। ये बहुत ही यूनिक तरीका है। इसी के साथ आज हम आपको और भी यूनिक चीजें बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया, चलिए यहाँ पे हमने ऐसे ही कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग में अभी हमने जो जाना है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, तो ये सारी चीजें हमने यहीं से जानी है। आज हम आपको एक दूसरा तरीका बताने वाले हैं इसके अलावा कहां से और कर सकते हैं। उसके लिए हम होम टैब में देखें, फॉन्ट ऑप्शन है, फॉन्ट के नीचे यहाँ पे फॉन्ट लॉन्चर है, फॉन्ट लॉन्चर इसको कहते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तब भी फॉन्ट का बॉक्स आ जाता है, या कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+D की को आप प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने फॉन्ट का बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे आपको फॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे फॉन्ट ये आप वहां से भी बदल सकते थे होम टैब से, यहां से फॉन्ट स्टाइल यहां से भी बदल सकते हैं, फॉन्ट साइज यहां से भी बदल सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन भी यहां से चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन के अलग अलग स्टाइल आप यहां से सेट कर सकते हैं, साथ साथ आप यहां पे अंडरलाइन के लिए कलर भी यहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पे देखें इस तरीके से बन जाएगा। अब हम आपको और भी यूनिक चीजें बताने वाले हैं। जैसे आप अपने टेक्स्ट में इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, इसके टेक्स्ट में हमने बीचों बीच एक लाइन खींचनी है, स्टिक थ्रो करना है, तो हमने ये स्टिक थ्रो कर दिया। हम फॉन्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं, डबल स्टिक थ्रो चाहते हैं, तो दो लाइन हो गई बीचों बीच, ये देख लीजिए यहां पे दो लाइन। और अब हम क्या करते हैं, यहां पे अंडरलाइन को हटाना चाहते हैं तो यहां से हम नन कर देते हैं, स्टिक थ्रो हटाना चाहते हैं, हट गया। अब हम लिख रहे हैं तो सारे अक्षर स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, हम चाहते हैं सारे अक्षर कैपिटल लेटर हो जाए, तो उसके लिए हम होम टैब में जाके यहां से अपर केस करते हैं तो सभी कैपिटल हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक और भी यूनिक बताने वाले हैं, कैपिटल तो होगा लेकिन ये छोटे साइज में कैपिटल होगा। तो यहां पे फॉन्ट के बॉक्स में आप देखें तो स्मॉल कैप्स ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे टेक्स्ट छोटे में कैपिटल हो जाएंगे। जैसे अभी अगर आप कोई और टेक्स्ट लिखते हैं, ये देखिए जो भी लिखेंगे सब स्मॉल लेटर मतलब कैपिटल लिखेगा लेकिन साइज उसकी छोटी होगी। फिर से आप सबको नॉर्मल करना चाहते हैं तो ऑल कैप्स कर दें तो सारे के सारे अक्षर कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। अब आप परेशान होंगे, यहां से आपने सेंटेंस किया, लोअर किया और इस तरीके से चेंज, वही काम हम यहां से भी कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपने टेक्स्ट को छिपाना। ये हमने टेक्स्ट लिख दिया, अब हम चाहते हैं इस टेक्स्ट को कोई देख ना पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉन्ट लॉन्चर पे चलना है, यहां पे हमें क्या करना है, हिडन ऑप्शन पे टिक करके ओके कर देना है। अब हम इसमें लिख रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा है, अभी दिखने लगा, हम हटाना चाहते हैं, पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया, अब ये नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर आपको जब भी लाना होगा आप पैराग्राफ पे क्लिक करिए, ये फिर से दिखने लगेगा। अगर आप इसको छिपाना चाहते हैं फिर से तो आप फिर से पैराग्राफ पर जाएं, सॉरी फॉन्ट लॉन्चर पर जाएं और यहां से आप हिडन का चेक हटा दें तो ये चेक हट जाएगा। आप यहां से पैराग्राफ को हटा दें। ये तो हमारा एक छोटा सा काम था, अभी हम आपको बहुत ही यूनिक चीजें बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करना आपको सिखाते हैं। जैसे ये हमारे जो टेक्स्ट हैं, ये नजदीक नजदीक हम चाहते हैं एकदम आपस में सटे हुए हों,
तब इसके लिए हमें क्या करना है, फंड के बॉक्स में ही हमें यहाँ पे आप देखें तो एडवांस ऑप्शन मिल जाएगा। एडवांस ऑप्शन पे जाना है। एडवांस ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा स्केलिंग, स्केलिंग ऑप्शन, तो स्केलिंग को आप जितना बढ़ाएंगे आपके कैरेक्टर्स इस तरीके से दूर होते चले जाएंगे, जितना नजदीक करेंगे उतने ही कैरेक्टर आपके ऐसे छोटे होके और इस तरीके से दिखेंगे। यहाँ पे 100% नॉर्मल साइज होता है। आप स्पेसिंग को कम करना चाहते हैं, स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंडेड करेंगे, स्पेस बढ़ जाएगा, टेक्स्ट के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, ये देखिए। और अगर आप स्पेस को कम करना चाहते हैं तो यहीं पर आप देखें दूसरे ऑप्शन को चुनिए और आप इसको जितना पास पास करना चाहते हैं उतना पास पास कर सकते हैं। एक अक्षर दूसरे अक्षर से एकदम सटे हुए होंगे, इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं, ये नॉर्मल हो जाएगा। पोजीशन जैसे हम चाहते हैं कि ये देखिए जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिख रहा है, हम चाहते हैं टेक्स्ट थोड़ा और नीचे से लिखे, मतलब ये जो इसमें इरर लाइन दे रहा है, इरर लाइन ऊपर चली जाएगी चलेगा, लेकिन ये टेक्स्ट हमारा नीचे की तरफ आ जाए तो इसको सेलेक्ट करें, यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करें और यहाँ पोजीशन पे आके इसको लोअर्ड कर दें, कितना नीचे आप लेके जाना चाहते हैं यहां से आप डिसाइड करें और ओके करें। अब देखिए आपका जो स्पेलिंग ग्रामर की लाइन थी वो ऊपर चली गई और ये नीचे टेक्स्ट नीचे की तरफ खींचा जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। उम्मीद है आपका आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को बिना स्किप किया पूरा वीडियो देखते रहे जिससे आपको और भी जानकारी मिलती रहे। ऊपर की तरफ लेके जाना है तो यहां से हम ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, तो ये देखिए लाइन से इतना ऊपर चला गया और जितना बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे और ऑप्शन हैं। अभी तो मैंने एक छोटा सा डेमो दिया है, अब मैं आपको और भी बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किया पूरा वीडियो देखें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट की। जैसे अभी हम इस फॉन्ट को थोड़ा और यूनिक बनाना चाहते हैं, यूनिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो भी ये सेटिंग्स कर रखी है इनको नॉर्मल कर देते हैं। अब हम फिर से अगेन आते हैं फॉन्ट पे और यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। टेक्स्ट इफेक्ट, हम टेक्स्ट इफेक्ट का यूज करके टेक्स्ट पर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे टेक्स्ट इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो समझ में आ जाएगा, देन मैं आपको बताता हूं किस तरीके से यहां पे इफेक्ट अप्लाई करें। अब हम यहां पे जानने वाले हैं कि किस तरीके से और सारी फॉर्मेटिंग करें, तो उसके लिए पहले अभी हम डेमो दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम वर्ड आर्ट का सहारा लेते हैं इस तरीके से और यहां पे हम लिखते हैं, फिर जाके इसमें हम ये फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट कलर, आउटलाइन कलर और इफेक्ट। तो ये सारी चीजें हम कब अप्लाई करते हैं, बहुत बाद में वर्ड आर्ट तैयार करने के बाद। बिना वर्ड आर्ट के इसको कैसे आप बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आज हम यहां पे देखेंगे। तो चलिए यहां पे हमने क्या किया, नाम लिख दिया अपना और इसको और भी बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद पहले तो हमने टेक्स्ट लिखा, सेलेक्ट की और बड़ा किया और फिर उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन पर। टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन पर जब जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल ऑप्शन मिलेगा, कौन सा कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे सिंगल कलर, कोई एक कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कलर आप ले सकते हैं। कलर पे आप ट्रांसपेरेंसी लगाना चाहते हैं, कलर पे ट्रांसपेरेंसी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी हम थोड़ा और भी इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो दो तीन चार कई सारे कलर को मिक्स करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट फिल पे चले आए। यहाँ पे हम जो भी ग्रेडियंट फिल यूज करेंगे वो ग्रेडियंट फिल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलर को सेलेक्ट करते हैं। अब जो भी कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे वो कलर हमें इस एरिया पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स को अप्लाई करते हैं और उनको हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे क्या ये वाकई सेट हो रहा है। तो हमने सेलेक्ट किया तो देखिए हमारे टेक्स्ट पर ही उस तरीके की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। अभी हम आपको और फॉर्मेटिंग करना सिखाने वाले हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, इसका ब्राइटनेस बढ़ा दिया और इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर दिया। ये भी कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कैसे दिखाई दे। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन के विषय में, आउटलाइन कैसी चाहते हैं, आउटलाइन का कलर क्या चाहते हैं टेक्स्ट का। जैसे हम टेक्स्ट का आउटलाइन का कलर चाहते हैं,
आउटलाइन की स्टाइल, आउटलाइन में भी आप दो से तीन कलर ले सकते हैं, जो भी आप जैसा कलर चाहेंगे वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और उस पर आउटलाइन अप्लाई कर देना है। ये देखिए आउटलाइन इस पे दिखने लगा। अब हम बात करें इस पे कुछ और इफेक्ट अप्लाई करने की, तो इस पे स्टाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं आउटलाइन का, किस तरीके से आउटलाइन स्टाइल हो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं इस पे शैडो कैसे अप्लाई किया जाए। तो अपने टेक्स्ट पर आप शैडो किस तरीके से अप्लाई करें, जैसे आप ऐसा शैडो चाहते हैं, ऐसा शैडो चाहते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग शैडो मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसको ब्लर कर सकते हैं, साथ में इस पे और भी बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट लगा के हम उसके बाद यहाँ पे क्लोज करके ओके करें तो सेम वो हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको कुछ और भी यूनिक चीजें बताने वाले हैं, जैसे इसमें हम रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, कौन सा रिफ्लेक्शन आप देना चाहते हैं वो रिफ्लेक्शन आप सेलेक्ट करें और ओके करें तो वो रिफ्लेक्शन भी इस पर अप्लाई हो जाएगा आपके टेक्स्ट पर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ और इफेक्ट की, तो यहाँ पे जैसे हम कोई ग्लो देना चाहते हैं तो ग्लो कैसा हो, ग्लो का कलर क्या हो, ये सब यहाँ से डिसाइड करके उसके बाद साइज, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें सेट करके आप ओके करें तो आपका टेक्स्ट उसी ग्लो में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए साइड में ग्लो दिखने लगा टेक्स्ट पर। अगर इस ग्लो को आप कोई दूसरा कलर देते हो वो भी आपके इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा, जो भी आप कलर चाहेंगे वो कलर। जैसे हमने इस पे येलो कलर का ग्लो दे दिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया। अब हम क्लोज करके ओके करते हैं तो देखिए उस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। अब हम यहाँ पे आपको कुछ और भी यूनिक चीजें, जैसे आप इसको 3D फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं कि कैसा 3D फॉर्मेट आप चाहते हैं, बॉटम कैसा हो इसका, और साथ साथ यहाँ पे कलर क्या हो। कलर के साथ साथ आप इसके काउंटर का भी कलर सेट कर सकते हैं। ये सब सेट करके यहाँ से आपका मटेरियल कैसे दिखाई पड़े, ये सब सेट करके आप ओके करेंगे तो सारी सेटिंग आपके उस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को और भी बेहतरीन बना सकते हैं और इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट की पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।